आज हम लोग ये प्योर साइन वेव डीएसपी टेक्नोलॉजी और जेनेस का इन्वर्टर है ये 1100, तो आज इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। तो इसमें इसको पहले सर्किट ये एक मिस्त्री साहब भेजे हैं, तो इसलिए ये खुला हुआ है, तो ये सब कुछ करके देख लिए। तो इसमें ये कम जो है ये ड्राइवर लगा हुआ था, इसमें ये ड्राइवर है, ये इसका S72295 नंबर शायद दिख रहा हो, ये S72295। तो इसमें मॉस्फेट कोई नहीं, मॉस्फेट का प्रॉब्लम नहीं था इसमें, ये शॉर्ट सर्किट लिख रहा था, तो इसका आईसी भी बदल दिए, ये यहाँ पे ये आईसी उसका दूसरा लगाए हैं, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये 1000 जो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस पे, ये 100 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, तो ये दो रेजिस्टेंस भी बदल दिए। उसके बाद में इसमें प्रॉब्लम एक छोटा सा था, ये जो जीनर लगा हुआ है ZD1, तो ये लगा था ये काला जो ये डायोड है काले टाइप का, तो इसमें लिखा है WH, तो इस नंबर इस पे लिखा था SMD, जिस में ये लगे हुए हैं ये डायोड ये काले वाले, तो यहाँ पे भी लगा था, तो बस यही प्रॉब्लम था। तो अभी हम चेक करके दिखा दे रहे हैं, और इसका नंबर भी हम दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये कॉपी में सब लिखा है, तो ये WH का जो है ये 12 वोल्ट जीनर है, यहाँ पे हमारे पास जो काफ़ी डाटा है जो गूगल वगैरह पे भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है, नहीं भी है, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हैं जो गूगल पे नहीं है, तो कई सारे ऐसे जानकारियाँ हैं, धीरे धीरे सब में जानकारी, ये कई कापी हैं इसे जो सारी जानकारियाँ दूंगा आप लोगों को, लेकिन टाइम जैसे ही मिलेगा उसी हिसाब से। तो फिलहाल हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये जीनेस का कार्ड है, ये पुराने वाला मॉडल है, तो ये जो मैं सिस्टम हमारे पास है ये चेक करने वाला है, या कंट्रोल कार्ड हुआ और या ये ड्राइवर हुआ, ये वो ड्राइवर है जो MC 33883 वाला ये दिख रहा होगा, ये जीनेस का है ये, तो इसको हम चेक करवा दे रहे हैं, तो ये इसको यहाँ पे लगा दें, और अब जब हम इसको यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये चारों LED जल रही हैं, यानी चारों पल्स इसका ऑन है, यहाँ पे एक एक मॉस्फेट भी लगा हुआ है चारों चैनल पे, ये सिर्फ LED होता तो हल्का फुल्का भी, अगर मॉस्फेट इसीलिए लगा लेंगे कि अगर हल्का भी दिक्कत रहेगा इस ड्राइवर में तो ये इम्पेयर लेने लगेगा, और यहाँ पे सीरीज बल्ब के द्वारा मैं जो भी सिस्टम चेक करता हूँ तो ये बल्ब भी जलने लगता या ये हीट होने लगता ये, लेकिन ये हमारा ओके है। तो इसी तरह से हम कई सिस्टम ऐसे है हमारे पास जो है सुकाम का एक साइड का जो भी इसी तरह से हम चेक करते हैं, तो ये ऑफ़ किए ऑन किए ये जल गया UPS और ये पल्स ऑन हो गया, तो जीनेस का संबल भी है ये यहाँ पे, और इसमें भी जीनेस ये लिखा हुआ है इस कार्ड में भी, तो ये कार्ड है, ये IC जो है ड्राइवर इसका ये 28 पिन का है, और इसमें जो लगा हुआ है उसको हम निकाल ले रहे हैं बाहर, और ये जो लगा हुआ है 33883 वाला जो है ये ड्राइवर ये 20 पिन का है, लेकिन यहाँ पे जो पिन हैं 14 पिन इसमें भी है और 14 पिन इसमें भी है, तो अब हम ये वाला ड्राइवर कार्ड लगा के आपको चेक करवा दे रहे हैं, और इसमें क्या दिक्कत था वो भी हम बता दे रहे हैं। तो हम इसको लगा के पहले चेक कर लिए हैं, इसमें ये लगा दिए, अब ये स्विच हम ऑन कर रहे हैं, तो ये चारों चैनल हमारा ओके हो गया, पहले इससे पहले नहीं जल रहा था ये हमारा UPS LED भी इसमें शो कर रहा है ये, तो इसमें दिक्कत था ये वाला, इसको निकाल ले रहे हैं ये, तो इसमें ये जीनर जो भी आपको हम बताए हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ZD1, तो यही दिक्कत था, ये जीनर जो लगा हुआ था ये
WH लिखा हुआ है इस पर, SMD पे इतना बारीक है कि दिख नहीं रहा है, तो इसको बदल दिए तो हमारा ओके हो गया। अब इसको हम इसमें लगा के उसके बाद में सेट ऑन करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, और इसका वोल्टेज भी हम चेक करवा देंगे कि इस तरह से चेक करना चाहिए। ये कुछ ही सेकंड के लिए, जब तक आप पूरा सेट नहीं बांध देंगे, जब तक अगर आप चेक करेंगे इसे ही, तो ये कुछ सेकंड के लिए आता है, उसके बाद प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है। तो इसका सही तरीका यही है कि अगर हम फीडबैक भी दे देंगे यहाँ से, जो फीडबैक रहता है ट्रांसफार्मर से, ये फीडबैक वाला तार या 909 का तार लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो जब तक पूरा सेट नहीं बांधेंगे, जब तक ये ऑन प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगा, ये सेट ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाता रहेगा, ये कुछ सेकंड के लिए ऑन होगा फिर चला जाएगा। अगर इसे छोड़ देंगे करंट देके, तो ये फिर ऑफ भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको यहाँ ड्राइवर लगा ले रहे हैं, उसके बाद में फिर ये वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है IC कंपोनेंट साइड, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे बैठा देंगे और सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद में फिर आगे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बैठा दें और सोल्डरिंग कर लें, उसके बाद में फिर फिट करके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ सोल्डरिंग करके पेट्रोल से साफ कर दिए हैं, और अब हम ये सर्किट यहाँ पे इसमें लगाने के बाद चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट लगा दिए हैं, नीचे गड्ढे की कोई चीज़ इसमें दिक्कत ना हो, ये इसका कनेक्टर लगा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे DC करंट दे रहे हैं, ये DC करंट दे, ये बजट साउंड डाउन हुआ, और ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले पे सारा फंक्शन बता रहा है, बैटरी इसका जो सारा फंक्शन। तो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच, और ये भी UPS लिखा हुआ है, यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, बैटरी मॉडल, चार्जिंग मॉडल, ये सब मोड है, बैटरी मोड, चार्जिंग मोड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 स्विच लगा हुआ है, और ये 3 LED लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑन करेंगे, यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ओवरलोड, और ये फॉल्ट का LED भी शो कर रहा है, ये फॉल्ट का LED शो कर रहा है, और लिख के आ रहा है ओवरलोड ट्रिप, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप, ये तो स्विच भी हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन भी नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम पहले फिट कर ले रहे हैं, ड्राइवर तुम्हारा ओके चेक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी ऑन नहीं हो रहा है इस तरह से लगाने पे। तो यहाँ पे वोल्टेज भी हम नहीं चेक कर सकते हैं, तो इसको हम फिलहाल पूरा फिट ही कर ले रहे हैं, तब चेक करते हैं आगे। तो एक तरह से अभी हम जो चेक किए हैं, और इसमें अब हम दूसरी तरह से भी एक बार और चेक कर ले रहे हैं, ये डिस्प्ले सब कुछ ऑन है, यहाँ पे बैटरी लोड और ये सब यहाँ सारा बता रहा है। तो वैसे अब हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, तो ये अभी जहाँ यहाँ से हम ऑन करेंगे यहाँ से, तो ये हम यहाँ पे जो छोटा वाला हीटसिंक है, ये नेगेटिव N चैनल वाला जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट इंडिकेटर, बाइक का, मोटरसाइकिल का इंडिकेटर वाला बल्ब है ये, तो यहाँ पे मैं ये तार लगा दिया हूँ कि अगर यहाँ पे पल्स आएगा हमारा, जो भी यहाँ पे AC वोल्टेज बनता है, 8-10 वोल्ट जो भी बन रहा हो, तो यहाँ से हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑन की हमारा बल्ब इंडिकेटर वाला ऑन हो गया, और फिर उसके बाद में ये प्रोटेक्शन यानी ये ऑफ हो गया, यानी ये कंफर्म हो गया हमारा कि ये सर्किट ओके हो गया। अब हम लगा भी देंगे तो हमारा ये सेट ऑन हो जाएगा, ये फिर चालू हो गया, इसे ही ऑन ऑफ होता रहेगा जब तक हम यहाँ पे सेट पे बांधेंगे नहीं, उसके बाद में कुछ टाइम ऐसे ही जो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं एक बार हम, ये ऑन हुआ ये, और ऑफ हो गया, ठीक है, ये ऑन हुआ ये ऑफ हुआ। यहाँ पे हम जो लगाए हैं ये DC बल्ब है, इंडिकेटर वाला बाइक का, तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन हो गया। और कोई कोई सिस्टम तो ऐसा है जब तक बांधेंगे नहीं जब तक वो ऑन भी नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि हमारा सेट जो है ये सर्किट ऑन हो गया, ये जो भी इसमें प्रॉब्लम था ये जीनर का ही प्रॉब्लम था, और ये सेट अब हमारा इसमें लगाने के बाद ऑन हो जाएगा। तो अब ये सर्किट जो है इसमें फिट कर ले रहे हैं, उसके बाद में आपको ऑन करके यहाँ पे बल्ब वगैरह लोड डाल के भी चेक करवा रहे हैं, और चार्जिंग वगैरह भी चेक करेंगे। तो ये सारा सिस्टम लगा दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको हम फिट कर लिए हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट DC करंट दे दिए हैं बैटरी में, बैटरी वाला तार लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये स्विच इसका, ये ऑन ऑफ वाला, ये तो ये ऑन कर रहे हैं, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया,
और ये ऑफ हो गया। यहाँ पे लिखता है लोड वगैरह सब बताता है, ये ऑन हो गया। यहाँ भी ये लिख रहा है यानी 12 एम्पीयर लोड यहाँ पे बता रहा है। और अब हम ये इसको ऑफ कर दें और माइनस भी देंगे, ये 219 वोल्ट लोड 9% बता रहा है। इसमें लोड इम्पेयर वोल्टेज माइनस एसी डीसी सब बताता रहता है। ये 12 एम्पीयर ये चार्जिंग लगाने के बाद भी चेक करवा दे रहे हैं। तो हम ये बल्ब का इस यहाँ से ये निकाल दे रहे हैं ताकि कैमरा में कादे से दिख नहीं रहा है। ये बल्ब हटा दे रहे हैं, ये इन्वर्टर भी ऑन है, इसका एसी सप्लाई हम दे रहे हैं। यहाँ पे एसी सप्लाई दे दी है और ये यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे ये माइनस और चार्जिंग भी बताने लगा और माइनस वोल्टेज जो है 218 के आसपास आ रहा है। ये बैटरी 13.3 और ये लगभग यहाँ पे सब लिख के आएगा। बैटरी चार्जिंग इम्पेयर सब शो करने लगा है। तो ये हमारा हो गया ओके। इसमें जो दिक्कत था वही जीनर का प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो अब जो भी सेट आ रहे हैं ज़्यादातर उसमें ऐसा रहता है कि हम उसे बाहर चेक करना चाहेंगे तो नहीं चेक होगा जब तक हम सेट में लगा के नहीं चेक करेंगे। और रिपेयरिंग करना धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे SMD सर्किट आ रहे हैं। एक दो सर्किट और आया है जो मार्केट में भी, उस पर भी वीडियो बना देंगे कि अगर MOSFET उड़ जाए या वैसे ही अगर सेट ओके भी रहेगा बाहर निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो वो चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सेट हैं मतलब सर्किट आ गई हैं। तो जिस दिन मौका मिला हम उस पर भी वीडियो बना देंगे।